Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-edification. This is me, Usman Ali, your English teacher. And today we will start our lesson number 4, that is Thank You Ma'am. It is written by Langston Hughes. So Thank You Ma'am. Ma'am, jo hai, you can see apostrophe yahan pe use ki gayi hai. Aur jo madam hai, usko short kiya gaya hai. Shukriya, madam. To पहले हम बात कर लेते जो है राइटर के बारे में. दिस इज लैंगस्टन ह्यूज. ही वॉज बोर्न इन 1901 एंड डाइड इन 1967. ही इज एफ्रो अमेरिकन राइटर. ही इज अ नॉवलिस्ट, पोइट, एसेस्ट एंड मच मोर. सो टुडे वी विल रीड हिज स्टोरी. थैंक यू मैम. सो let's see how many characters are there in this lesson. And there are only two characters in the story. First one is Mrs. Luella Bates Washington Jones. Bahut lengthy name hai ji, apne kadu kamat ki tarah. Ye iska naam bhi kafi jo hai wo bada hai. Aur niche aap description mein dekh sakte hain, maine likha hai ji, a large woman with a large purse. To ye ek badi jo hai kadavar khatoon hai, bhari barkam khatoon hai, aur uske paas ek bada sa purse hai. और ये रात के वक्त जो है वो अपनी जॉब से वापस आ रही है, जो कि ये होटल के ब्यूटी पार्लर में करती है. तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त है. रात के 11 बजे का वक्त जब ये वापस आ रही होती है, तो रास्ते में एक लड़का जिसका नाम है रॉजर, और वो विलो वाइल्ड है. विलो वाइल्ड का मतलब कमज़ोर, वीक. और 14 साल का ये कमज़ोर सा लड़का जो है, ये पर्स छीनने की कोशिश करता है जी इस कादावर खतून का, जिसका नाम मिसिज लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स है. लेकिन पर्स तो नहीं छीन पाता, अलबत्ता खुद उसके कब्जे में आ जाता है और वो उसको घसीटते हुए घर ले जाती है. फिर स्टोरी में क्या होता है, तफसील से पढ़ते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ तर्जमा भी. सो लेट्स मूव एंड ओपन योर बुक्स. थैंक यू मैम. लैंगस्टन ह्यूज. शी वॉज अ लार्ज वुमन. वो एक बड़े कद की, कदावर या लंबे कद की खतून थी. लार्ज वुमन यानी भारी भरकम. शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स. वो एक भारी भरकम खतून थी विद अ लार्ज पर्स. उसके पास एक बड़ा सा पर्स भी था. दैट हैड एवरीथिंग इन इट. और उसमें हर एक चीज थी बट सिवाय अ हैमर एंड नेल्स. जिसमें सिवाय हथौड़ी और कीलों के बाकी सब कुछ था. हैमर एंड नेल. हैमर किसको बोलते हैं जी, हथौड़ी को बोलते हैं. तो वो एक भारी भरकम खतून थी जिसके पास जो है एक बड़ा सा पर्स था, जिसमें एक हथौड़ी और कीलों के अलावा बाकी सारी चीजें थी. यानी कि एग्जैजरेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं था कि सारी चीजें थी. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप. तो स्ट्रैप मीन, स्ट्रैप का मतलब पट्टी, डोरी, स्ट्रिंग. और वो जो पर्स था उसकी एक लंबी सी पट्टी थी, एक लंबी सी डोरी थी. एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. स्लंग का मतलब लटकाना, स्लिंग की जो है वो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है. और उसको वो अपने कंधे पे लटकाए जा रही थी. कैरी का मतलब उठाना, उठा के ले जाना. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. और ये तकरीबन रात के जो है 11 बजे का वक्त था. डार्क, तारीकी छाई हुई थी. एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन. और वो अकेली जा रही थी. व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर. जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया. एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स. और उसका पर्स छीनने की कोशिश की. द स्ट्रैप ब्रोक. और वो जो पट्टी थी वो टूट गई. विद अ सडन सिंगल टक, एक ही झटके से. टक का मतलब झटका. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड. जो के लड़के ने पीछे से लगाया था. जब लड़के ने जब पीछे से एक जोर का झटका लगाया, तो उस एक झटके से वो पट्टी टूट गई. बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड. लेकिन लड़के का वजन और पर्स का वजन जब दोनों कंबाइंड मिल गए, लड़के और पर्स का वजन मिलने की वजह से कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस. उसके तवाजन खो बैठने का बायस बन गए. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एट फुल स्पीड. टेक ऑफ ले जाना, भाग जाना, फरार हो जाना. एज ही हैड होप.
जैसा कि उसे उम्मीद थी कि वो पूरी तेज रफ्तारी से पर्स लेकर भाग जाएगा, द बॉय फेल ऑन हिज बैक। इसकी बजाय लड़का अपनी पुश्त के बल जा गिरा ऑन द साइड वॉक फुटपाथ। लड़का जो है वो फुटपाथ पर पुश्त के बल जा गिरा एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी जो टांगे थी वो हवा में उठ गई। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न, और वो जो दराज का मंद लंबे कद वाली या भारी भरकम खतून थी, टर्न्ड अराउंड, वो घूमते हुए पलटी, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सिटर, तो उसको बिल्कुल उसकी नीली जीन्स वाले कोलों पर, सिटर का मतलब हिप्स, नीली जीन्स वाले जो हैं कोले, उन पर जोर से टांग मारी। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो गिरा है तो उसकी टांगे हवा में उठ गई हैं, और इस तरह से जो है उसकी जब टांगे हवा में उठी तो उसने उसके कोलों के ऊपर, उसने उसके हिप्स के ऊपर एक जोर से जो है वो ठोकर लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा, एंड शुक हिम, और उसको झंझोड़ा, शेक की सेकेंड फॉर्म शुक, झंझोड़ना, हलाना, अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, रैटल का मतलब क्लैटर, बजने लगना, और उसको इतने जोर से जो है उसने झंझोड़ा कि उसके दांत बजने लगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि वो बड़ा कमजोर सा, दुबला पतला सा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, और वो एक भारी भरकम सी खतून है, जब उसको वो झंझोड़ती है पकड़ के तो उसके दांत बजने लगते हैं। आफ्टर दैट द वुमन सेड, इसके बाद वो औरत बोली, पिक अप माई पॉकेट बॉय, लड़के ये मेरा पर्स उठाओ, पॉकेट बॉय पर्स को ही बोलते हैं जी, अमेरिकन वर्ड है, एंड गिव इट हियर, और इधर दो, ये पर्स उठाओ और इधर दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी भी उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था, उसे गिरेबान से, बट शी बेंड डाउन इनफ, लेकिन वो खुद इतना झुकी, टू परमिट हिम टू स्टूप, कि वो इस काबिल हो सके कि वो झुक जाए, स्टूप का मतलब झुकना, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा ले। लेकिन जो है वो खुद इतना झुक गई कि वो झुक कर उसका पर्स उठा ले। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ एंड यू शेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या अब तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो। फर्मली, फर्मली का मतलब टाइटली, ग्रिप्ड, हेल्ड, पकड़ा हुआ, बाय हिज शर्ट फ्रंट, वो लड़का जिसके गिरेबान को मजबूती से पकड़ा गया था। द बॉय सेड, लड़का बोला, यस आई एम, हां मैं हूं, तो वो लड़का जिसके गिरेबान को मजबूती से थामा गया था बोला, हां मैं शर्मिंदा हूं। द वुमन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये क्यों करना चाहते थे, तुमने ऐसा क्यों किया। द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, एम का मतलब इंटेंशन, इरादा, मेरा इरादा नहीं था। शी सेड, उसने कहा, यू अलाई, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। By that time, और इसी दौरान, two or three people passed, इसी दौरान दो या तीन लोग वहां से गुजरे, stopped, रुके, turned to look, और देखने के लिए पलटे, and some stood watching, और कुछ वहां पर खड़े होकर देखने लगे। If I turn you loose, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, turn loose का मतलब डील देना, छोड़ देना, अगर मैं तुम्हें, तुम्हारी गिरफ्त छोड़ दूं, विल यू रन, तो क्या तुम भाग जाओगे, आस्क द वुमन, खतून ने पूछा। यस एम, हाँ मोहतरमा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, तो फिर मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, सेड द वुमन, खतून ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, तो उसने उसको नहीं छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी, मोहतरमा मैं शर्मिंदा हूं, विस्पर द बॉय, लड़के ने सरगोशी की, विस्पर का मतलब सरगोशी करना। योर फेस इज डर्टी, अरे तुम्हारा चेहरा बड़ा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, मेरे जहन में बड़ा अच्छा ख्याल आया है, गॉट अ ग्रेट माइंड, मेरे जहन में बड़ा अच्छा ख्याल आया है, टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए धोया जाए। एंट यू, एंड यू, आर एंट यू, तो एंड जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आर नॉट भी है, हैव नॉट भी है, तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ मीनिंग देता है।
Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? तो यहाँ पे एंड जो है बल्कि वो मीनिंग देगा haven't you, तो क्या तुम्हारे घर में कोई भी शख्स नहीं जो कि तुम्हें चेहरा धोने को कहे? No am, नहीं मोहतरमा, said the boy, लड़के ने कहा. Then it will get washed this evening, तो फिर आज रात ये चेहरा धुलेगा, said the large woman, खतून ने कहा. Starting up the street, गली में आगे बढ़ते हुए, dragging the frightened boy behind her, उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए, उस सहमे हुए लड़के को अपने पीछे घसीटते हुए, खतून ने कहा कि आज रात ये चेहरा फिर धुलेगा. He looked as if he was 14 or 15. वो 14 या 15 साल का लग रहा था. Frail and willow wild, कमजोर सा और दुबला पतला सा. In tennis shoes, उसने जो है टेनिस जूते पहने हुए थे. And blue jeans और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी. The woman said, खतून ने कहा, You ought to be my son, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए. I would teach you right from wrong, तो मैं तुम्हें सही और गलत में फर्क बताऊंगी. Least I can do right is to wash your face, कम से कम जो मैं अब कर सकती हूँ कि वो तुम्हारा चेहरा धो दूँ. Are you hungry, क्या तुम भूखे हो? No am, नहीं मोहतरमा, said the being dragged boy, उस घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा. नहीं मोहतरमा, I just want you to turn me loose, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़ दो. Was I bothering you when I turned that corner, जब मैं वहां से मुड़ी थी तो मैंने तुम्हें तंग किया था? बॉदर का मतलब तंग करना. Asked the woman, खतून ने पूछा, जब मैं वहां से मुड़ी थी तो क्या मैंने तुम्हें तंग किया था? No am, नहीं मोहतरमा, but you put yourself in contact with me, put in contact, रस्ते में आना, तल्लुक कायम करना, with me, तो उसको बता दिया कि बच्चे अब तुमने खुद मुझसे तल्लुक कायम किया है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा. said the woman, खतून ने कहा कि तुमने खुद मुझसे तल्लुक कायम किया है. if you think, अगर तुम समझते हो that contact is not going to last a while, लास्ट का मतलब बरकरार रहना, अवाइल थोड़ी देर के लिए, अगर तुम समझते हो कि ये तल्लुक थोड़ी देर के लिए भी कायम नहीं रहेगा, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो फिर कुछ और सोचो. यानी उस कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी. व्हेन आई गेट थ्रू विद यू सर, जनाब जब मैं आपसे निमट लूंगी, उसको थोड़ा तंजिया अंदाज में पुकार रही है. गेट थ्रू का मतलब निबटना, टैकल करना, डील करना. तो जब मैं तुमसे निमट लूंगी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसिज लुवेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, तो तुम मिसिज लुवेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद ही करोगे. तो जिस तरह वो खुद बड़ी है, उसका नाम इतना ही बड़ा है जी. स्वेट पॉप्ड आउट, तो ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ द लेसन, पास्ट पेपर्स में कई दफा आ चुका है. स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, लड़के के चेहरे से पसीना फूट पड़ा. पॉप आउट अपीयर होना, बॉयज फेस लड़के के चेहरे से. एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल, और उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी. मिसिस जॉन्स स्टॉप, मिसिस जॉन्स रुकी. जर्क हिम अराउंड, जर्क का मतलब झटका देना, अराउंड घुमाते हुए, इन फ्रंट ऑफ हर, उसको झटका दिया, घुमाकर अपने सामने ले आई. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू जो है वो डाल दिया, यानी कि उसकी गर्दन जो है वो बाजू से पकड़ ली. वैसे जो हाफ नेल्सन है या जो नेल्सन है, ये टर्म है जी रेसलिंग की. रेसलर्स क्या करते हैं कि ये एक ट्रिक आजमाते हैं, एक दाव लगाते हैं दूसरे पहलवान को, रेसलर को. क्या करते हैं, जिसने जो पकड़ना होता है, नेल्सन लगाना होता है, वो दूसरे जो होता है रेसलर, उसके कंधों के नीचे से अपना बाजू लेके जाते हैं, या कंधे के नीचे से बाजू लेके जाते हैं, गर्दन को पकड़ लेते हैं. इस तरह से जो गर्दन होती है वो मजबूती से पकड़ी जाती है और छुड़वाना मुश्किल होता है. तो पुट अ हाफ नेल्सन, अगर एक बाजू से जो है वो उसको पकड़ा जाएगा गर्दन को, तो यकीनन वो हाफ नेल्सन है. अगर दोनों बाजुओं से जो है वो पकड़ा जाएगा, तो फिर ये नेल्सन या फुल नेल्सन होगा. तो उसका तो उन्होंने क्या किया जी, उसने उसकी बाजू, उसके कंधे के नीचे से उसकी गर्दन, कंधे के नीचे से अपना बाजू गुजार के उसी गर्दन को जकड़ लिया. तो आप इसका तर्जमा जो है वो आसानी से कर सकते हैं, पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी
गर्दन के गिर्द कफली जमाई, यानी कफल किसको बोलते हैं, लॉ को करते हैं, उसकी जो गर्दन थी उसको जकड़ लिया, उसकी गर्दन को जकड़ा, एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और गली में चलना शुरू हो गई और उसको गली में घसीटना शुरू कर दिया। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को अंदर खींचा, डाउन अ हॉल, एक हॉल में से गुजारते हुए, एंड इन टू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, और एक हॉल में से गुजार कर वो उसको बावर्ची खाने की तरह सजे हुए एक कमरे में ले आई, एट द रियर ऑफ द हाउस, रियर बैक ऑफ द हाउस, घर के पिछले हिस्से में, और उसको हॉल में से गुजार कर वो घर के पिछले हिस्से में एक बड़े से बावर्ची खाने की तरह सजे हुए कमरे में ले आई। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने जो है बत्ती जलाई, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर, लड़के को आवाजें आ रही थी अदर रूमर्स, रूमर्स कमरों में रहने वाले मकीनों की, उसे दूसरे मकीनों की भी आवाजें आ रही थी, लाफिंग हंसने की, एंड टॉकिंग और बातें करने की, इन द लार्ज हाउस, इस बड़े से घर में, और उस बड़े से घर में लड़के को दूसरे कमरों में मौजूद लोगों की हंसने और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, उनमें से कुछ के दरवाजे भी खुले हुए थे, सो ही न्यू ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन, लिहाजा उसे पता चल गया कि वो और खतून अकेले नहीं हैं। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, और खतून ने अभी भी उसको गर्दन से ही जकड़ा हुआ था, इन द मिडल ऑफ अ रूम, कमरे के दरमियान में, और खतून ने अभी भी कमरे के दरमियान में भी उसको गर्दन से ही जकड़ा हुआ था। शी सैड, उसने कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? रॉजर, आंसर्ड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, उस सिंक पे जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना चेहरा धो लो, सैड द वुमन, खतून ने कहा। वेयर अपॉन, और ये कहते हुए, शी टर्न हिम लूज, ये कहकर उसने उसको आजाद कर दिया, एट लास्ट, आखिरकार, और आखिरकार ये कहकर उसने उसको छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की जानिब देखा, लुक्ड एट द वुमन, खतून की जानिब देखा, लुक एट द डोर, फिर दरवाजे की जानिब देखा, एंड वेंट टू द सिंक, फिर वो सिंक पर चला गया, यानी कि सोच रहा था भागे के मुंह धोए, लेकिन आखिरकार फैसला ये किया कि मुंह धो लेता है। लेट द वॉटर रन, पानी को बहने दो, अनटिल इट गेट्स वार्म, जब तक ये गर्म नहीं निकल आता, जब तक पानी गर्म नहीं निकलता इसको बहने दो। शी सैड, उसने कहा, हियर इज अ क्लीन टॉवल, और ये साफ तौलिया यहां पर मौजूद है। यू गोना, गोना गोइंग टू, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, एफ्रो अमेरिकन में बड़ा मशहूर है ये एक्सप्रेशन। यू गोना टेक मी टू जेल, मुझे जेल ले जाओगी, आज द बॉय, लड़के ने कहा, बैंडिंग ओवर द सिंक, सिंक पर झुकते हुए, लड़के ने सिंक पर झुकते हुए कहा, मुझे जेल ले जाओगी। नॉट विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ नहीं, आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, डबल जो है वो नेगेटिव यूज हुआ है, इस चेहरे के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, सेड द वुमन, खतून ने कहा। हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट, सेंटेंस जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन आप पास्ट में करेंगे। मैं घर पहुंचने की कोशिश में थी टू कुक मी, कि अपने लिए पका लूं, अ बाइट, हल्का फुल्का बाइट, लिटल बिट, टू ईट, खाने के लिए। मैं घर पहुंचने की कोशिश में थी कि अपने लिए कुछ हल्का फुल्का खाना पका लूं, एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुमने मेरा पर्स छीन लिया। मे बी यू एंड बीन टू योर सपर ईदर, ईदर और आइदर, सपर शाम का खाना, मेरे ख्याल में तुमने भी शाम का खाना नहीं खाया, लेट एज इट बी, काफी देर हो चुकी है, हैव यू, क्या तुम खा चुके हो? देर इज नो बॉडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, मेरे घर पर तो कोई है ही नहीं। देन विल ईट, फिर हम खाएंगे, सेड द वुमन, आई बिलीव यू आर हंग्री, मेरे ख्याल में तुम भूखे हो, और बिन हंग्री, या फिर भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक,
तभी मेरा पैर छीनने की कोशिश कर रहे थे। स्नैच का मतलब छीनना। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज। ब्लू स्वेड, स्वेड का मतलब लेदर, चमड़ा, नरम चमड़ा जो होता है। मैं नीले रंग के नरम चमड़े के जूते खरीदना चाहता हूँ, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। वेल, ठीक, यू डिडंट हैव टू स्नैच माय पॉकेट बुक, तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था। टू गेट सम स्वेड शूज, किसी भी तरह के चमड़े के जूते खरीदने के लिए तुम्हें मेरा पर्स नहीं छीनना चाहिए था, सैड मिसिस लुएला बेस वॉशिंगटन जोन्स, मिसिस लुएला बेस वॉशिंगटन जोन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे पूछ सकते थे, तुम मुझसे मांग सकते थे, यानी कि पैसों का कह सकते थे। मैम, वो आगे हैरान हो कहता, मैम मैं कैसे कह सकता था, मैं कैसे मांग सकता था। द वॉटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी जो है वो लड़के के चेहरे से टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी जानिब देखा। जब लड़के ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, फिर काफी तवील वक्फा रहा, खामोशी छा गई, यानी कि दोनों नहीं बोले। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक काफी तवील वक्फा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, और जब उसने अपना चेहरा खुश कर लिया, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और उसे ना समझ आई कि अब वो क्या करे, ड्राइड इट अगेन, दोबारा उसने चेहरा खुश किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का घूमता हुआ पलटा, वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, सोचता हुआ कि आगे क्या करे। द डोर वॉज ओपन, दरवाजा खुला हुआ था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, मेक अ डैश टू मेक रन फॉर इट, वो भागता हुआ जा सकता था, डाउन द हॉल, हॉल में से गुजर सकता था, तो वो भागता हुआ हॉल में से गुजर सकता था। ही कुड रन रन रन, और वो यकीनन भाग सकता था, भाग सकता था। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, डे बेड का मतलब सोफा, खतून जो है वो सोफे पर बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, थोड़ी देर के बाद वो बोली, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी, एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, और मेरी भी ख्वाहिश होती थी मुझे वो चीजें मिले जो मेरे पास नहीं थी। देर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, फिर काफी तवील वक्फा हो गया। द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला हुआ था, लड़के का मुंह खुल गया कि ये क्या कह रही है, यानी कि ये भी चोरियां करती थी शायद, वो ये सोच रहा है। देन ही फ्राउंड, फिर उसके माथे पे बाल आ गए, उसने टेबल चढ़ाई, नॉट नोइंग, अनजाने में ही फ्राउंड, और अनजाने में उसके तेवरी चढ़ गई, या उसने तेवरी चढ़ा ली, उसके माथे में बाल आ गए कि खतून क्या कह रही है। द वुमन सैड, खतून ने कहा, नहीं नहीं, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम सोच रहे थे कि मैं कहूंगी, बट लेकिन डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं सोचा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम सोच रहे थे कि मैं कहने लगी हूं, बट आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट्स बुक, लेकिन मैं लोगों के पर्स नहीं छीना करती थी। वेल, आई वॉजेंट गोइंग टू से दैट, मैं ये नहीं कहने लगी थी। पॉज, साइलेंस, वक्फा, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी ऐसे काम किए हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू, जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, सन बेटे। एवरीबॉडी इज गॉट समथिंग इन कॉमन, इंसानों में, सारे इंसानों में एक चीज मुश्तरक है, कॉमन मुश्तरक, क्या जी, सारे इंसान खता करते हैं, गलती करते हैं। सो यू सिट डाउन, लिहाजा तुम बैठो। व्हाइल आई फिक्स अप, जबकि फिक्स अप सेटअप, मैं लगाती हूँ समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ, तुम बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लगाती हूँ। यू माइट रन द कॉम थ्रू योर हेयर, तुम अपने बालों में ये कंघी फेर लो, सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम जो है मकूल दिखाई दे सको, प्रेजेंटेबल, नाइस, मकूल, तुम ये कंघी जो है वो बालों में कर लो ताकि तुम मकूल दिखाई दो। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, पर्दे के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट, गैस प्लेट का मतलब चूल्हा, एंड एन आइस बॉक्स, आइस बॉक्स फ्रिज, और कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे एक चूल्हा और फ्रिज पड़ी हुई थी। मिसिस जॉन्स गॉट अप, मिसिस जॉन्स उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय, खतून ने यह नहीं देखा, टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, खतून ने ये देखने के लिए कि कहीं वो भागने तो नहीं लगा, उसकी तरफ नहीं देखा। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, और ना ही उसने अपने पर्स को देखा, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो कि वो अपने पीछे सोफे पे रखाई थी। बट द बॉय टुक केयर,
लेकिन लड़के ने एहतियात की टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, वो कमरे में दूसरे कोने में जा बैठा, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर होकर। वेयर ही थॉट, जहां पे उसने सोचा, शी कुड इजीली सी हिम, कि वो उसको आसानी से देख पाएगी, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी तिरछी नजर से, कॉर्नर ऑफ हर आई, तिरछी नजर से, इफ शी वॉन्टेड टू, अगर वो चाहे तो वो उस जगह पे कमरे के उस कोने में जा बैठा जहां पे उसने सोचा अगर वो चाहे तो उसको तिरछी नजर से देख सकती है। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम, तो वो नहीं चाहता था कि खतून अब उस पर एतबार ना करे। एंड ही डिड नॉट वॉन्ट बी मिस ट्रस्टेड नाउ, और अब वो अपना एतमाद खोना नहीं चाहता था। डू यू नीड समबडी टू गेट टू द स्टोर, क्या आप किसी को स्टोर पर भेजना चाहती हैं? आस द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, दूध या कुछ और मंगवाने के लिए। डोंट बिलीव आई डू, मत सोचो कि मैं चाहती हूँ, सेड द वुमन, खतून ने कहा। खतून ने कहा मत सोचो कि मुझे चाहिए, अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, हाँ अगर तुम खुद मीठा दूध पीना चाहते हो तो जा सकते हो। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर, ये जो डिब्बे में बंद दूध पड़ा है मैं इसे कोको मशरूब तैयार करने लगी हूँ। कोको जो है वो एक चॉकलेट और दूध को मिक्स करके जो मशरूब बनाया जाता है उसको बोलते हैं, तो मैं ये कोको मशरूब तैयार करने लगी हूँ, अगर तुमने खुद जो है वो मीठा दूध पीना है तो दुकान से ला सकते हैं। तो उसका मतलब कि जब वो चॉकलेट पड़ेगा तो यार उसका जायका थोड़ा कड़वा हो जाएगा, तो तुमने अगर मीठा दूध पीना है तो दुकान से ले आओ। दैट विल बी फाइन, सेड द बॉय, लड़के ने कहा यही ठीक रहेगा, यानी कि जो आप पी रही हैं वही ठीक रहेगा, मैं भी वही पी लूंगा। शी हीटेड सम लीमा बीन्स, उसने जो है कुछ लीमा फलियां गर्म की, लीमा बीन्स, लीमा जो है फलियों की किस्म है, एंड बीफ और गोश्त, उसने जो है गाय के गोश्त को या बड़े गोश्त को बोलते हैं बीफ, उसने जो है लीमा फलियां और गाय का गोश्त जो है वो गर्म किया, शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसने फ्रिज में रखा हुआ था, मेड दी कोको, कोको मशरूब तैयार किया, एंड सेट द टेबल, मेज पर ये चीजें लगा दी। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड, खतून ने कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ पे रहता है, और हिज फोक्स, फोक्स का मतलब रिलेटिव, रिश्तेदार, माँ बाप, उसके जो है माँ बाप के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में कोई सवाल नहीं किया, और एनीथिंग एल्स, या कोई भी और ऐसी बात दैट वुड एम्बेरस हिम, जो उसको परेशान कर देती। एम्बेरस का मतलब परेशान, परेशान करना या शर्मिंदा करना, और यहाँ पे शर्मिंदा का सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एम्बेरस जो हमने उसमें पढ़ा था जब स्टीवर्ट जो है वो एम्बेरस हुआ था, तो वहां पर मैंने कहा था इसको करें परेशान और यहाँ पे शर्मिंदा, और ना ही कि और एक ऐसी कोई ऐसी बात की जिससे वो शर्मिंदा हो जाता। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज द एट, जब वो खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप, जब वो खाना खा रहे थे तो उसने अपने होटल ब्यूटी शॉप, ब्यूटी शॉप का मतलब ब्यूटी पार्लर, उसने बताया कि वो होटल के ब्यूटी पार्लर में काम करती है, दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात गए तक खुला रहता है। व्हाट द वर्क वॉज लाइक, कि वहां पे काम किस तरह का है, एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वीमेन केम इन एंड आउट, वहां पे कैसे हर तरह की खवातीन आती और जाती हैं, ब्लॉन्ड्स, सुनहरे बालों वाली, रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और हिस्पानवी। और इसकी बजाय वो उसको अपनी मुलाजमत के बारे में बताने लगी जो कि वो होटल के ब्यूटी पार्लर में करती थी, और रात गए तक खुला रहता है, और बताया कि कैसे वहां पे हर तरह की खवातीन, जिनमें जो है सुनहरे बालों वाली, सुर्ख बालों वाली और हिस्पानवी शामिल है, वहां पे आती और जाती हैं। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, फिर उसने अपना 10 सेंट, ये जो है करेंसी या सेंट, उसने जो है 10 सेंट वाला, यानी छोटा केक जो है वो आधा काट के उसको दे दिया। ईट सम मोर सन, शी सेड, उसने कहा बेटे कुछ मजीद खाओ। व्हेन दे वर फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, शी गॉट अप एंड सेड, वो उठी और बोली, नाउ हियर टेक दिस $10 एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू स्वेड शूज, अच्छा अब ये $10 लो और अपने लिए नीले चमड़े के जूते खरीद लो, एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग, ऑफ स्नैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक, लैचिंग, स्नैचिंग या क्लिंगिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर एनीबॉडी एल्स, और देखो आइंदा कभी भी गलती ना करना मेरा बटवा या किसी भी और शख्स का बटवा छीनने की, बिकॉज शूज गॉड बाय डेविलिश वेज, क्योंकि वो जूते जो शैतानी तरीके से हासिल करोगे विल बर्न योर फीट, तुम्हारे पाँव जला देंगे, तो वो जूते जो तुम शैतानी तरीके से हासिल करोगे तुम्हारे जूते जला देंगे,
आई गो टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है, बट फ्रॉम हियर ऑन इन सन, लेकिन बेटा आइंदा से, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, लेकिन बेटा आइंदा से मैं समझती हूँ कि तुम अच्छे अखलाक का मुजाहरा करोगे, बिहेव योर सेल्फ, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो उसको हॉल में से गुजार कर टू द फ्रंट डोर, सामने सदर दरवाजे पे ले आई, एंड ओपन इट, जिसको खोला। गुड नाइट, शब बखैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना। शी सैड, उसने कहा, लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट, गली में झांकते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियां नीचे उतर रहा था, जब वो जीनों से नीचे उतर रहा था, तो उसने बाहर झांकते हुए कहा कि बच्चे अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना, यानी क्या कर रही है, उसको नसीहत कर रही है कि आइंदा ऐसा ना करना, किसी का पर्स वगैरह छीनने की कोशिश या चोरी वगैरह करने की कोशिश ना करना। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, वो जो लड़का है वो शुक्रिया मदाम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था टू मिसिस लुवेला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, मिसिस लुवेला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को, बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, ऑल दो अगरचे हिज लिप्स मूव्ड, अगरचे उसके होंठों में जुम्बश हुई, उसके होंठ हिले, he couldn't even say that, वो ये भी नहीं कह सका था, as he turned at the foot of the barren stoop, यहाँ पे stoop का मतलब दहलीज, barren का मतलब वीरान, क्योंकि रात का वक्त है, और जब वो उस वीरान दहलीज के आखिरी जीने से मुड़ गया, फुट का मतलब आखिरी जीना, पाए से मुड़ गया, और जब जो है वो आखिरी जीने से, उस वीरान दहलीज के आखिरी जीने से मुड़ा, and looked up at the large woman in the door, तो उसने निगाह उठा के दरवाजे में खड़ी दराज कामत खतून को देखा, then she shut the door, फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। That's all. Thank you very much.